गाइस आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए स्मूदी, वो भी बहुत ही हेल्दी और आसान तरीके से। ये स्मूदी वेट लॉस के लिए भी आप वेट लॉस के लिए भी पी सकते हैं और ये स्मूदी बहुत ही न्यूट्रिशियस है। सो लेट्स स्टार्ट। इस स्मूदी के लिए मैंने लिया है मखाना, मूंगफली ली है मैंने, एक केला लिया है, कुछ बादाम लिए हैं मैंने, इसको लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए और कुछ अभी मैंने कट नहीं किए पीसेस। और यहाँ पे मैंने दो खजूर लिया है, सॉरी गाइस, छुहारा नहीं, खजूर लिया है मैंने। और मैंने यहाँ पे एक गिलास दूध लिया है और यहाँ पे मैं सिया सीड्स भी इसमें यूज करूँगी। अगर आप व्रत में खाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। इसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पानी में भिगो के रख दिया था। सो गाइस, अब हम पहले गैस में कढ़ाई को चढ़ाएंगे गरम होने के लिए। यह कढ़ाई चढ़ा दी, अब ये गरम हो रही है। गाइस, नवरात्रि चल रही है, आप इस हेल्दी स्मूदी को पी सकते हैं। इसे आपका पेट भी भरा रहेगा और ये न्यूट्रिशियस भी बहुत अच्छा है पीने के लिए। इसमें क्योंकि सब कुछ अच्छी, सारी न्यूट्रिशियस की चीज ही मैंने यूज कर रही है यहाँ पे। अब गाइस, ये पैन गरम हो जाए तो मैं इसमें मखाने को हल्का सा रोस्ट करूंगी। गाइस, मैं मखाने को इसमें ऐड कर रही हूँ और मैं इसे 2-3 या 4 मिनट का, मान लीजिए 5 मिनट तक मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूंगी। मैंने यहाँ पे घी वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया, मैं इसको ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। गाइस, हमारे मखाने रोस्ट हो रहे हैं। गाइस, बाहर की आवाज को आप इग्नोर करिएगा। इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ और आप एक मखाना लेकर इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि अच्छे से ये कुरकुरे हुए हैं कि नहीं। देखिए गाइस, कुरकुरे हो गए हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर और भूनने के बाद इसको निकाल लूंगी। हमारे मखाने जो है भून गए हैं, अब मैं इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर दूंगी। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ी सी मूंगफली भी इसमें, बहुत देर तक नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्की सी इसको मैं भून लूंगी। मूंगफली को भूनिएगा। गाइस, आप मूंगफली को जब भूंजिएगा तो गैस को ऑफ करके भूंजिए, क्योंकि कढ़ाई पहले से गर्म है तो मूंगफली बहुत जल्दी अच्छी सी कुरकुरी हो जाएगी। देखिए गाइस, हमारी मूंगफली भी जल्दी से तल गई है। मैं इसको भी निकाल के मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लूंगी। अब मैं इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे उनको भी इसमें ऐड कर लूंगी मिक्सी जार में। अब मैं इसको पीस लूंगी। जो ये मैं पीस गई, इसमें मैं अब दो खजूर ऐड करूंगी। मेरे ख्याल से मुझे 1-2 खजूर और ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे चीनी नहीं यूज करूंगी, खजूर ही यूज करूंगी। जैसे कि और ये हेल्दी हो जाएगा और मीठे के लिए मुझे चीनी भी नहीं यूज करनी पड़ेगी। गाइस, मैंने यहाँ पे 2 और खजूर यूज कर लिए हैं। अब मैं इसको भी मिक्सी जार में पीस लूंगी। आप जब खजूर पीसिएगा तो इसके बीज जरूर निकाल दीजिएगा। देखिए, हमारे ये जो मखाने थे, मूंगफली वगैरह सब कुछ अच्छे से पीस गई हैं। इसको मैं अच्छे से, बहुत महीन मैंने इसको पीसा हुआ है। आप इसको अच्छे से स्टोर करके भी 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं अच्छे से। अब मैं इसमें 2-3 टेबल स्पून मिक्सर बाउल में ऐड करूंगी। ये देखिए गाइस, और मैं इसी के साथ साथ इसमें केले भी ऐड कर दूंगी। यहीं पे मैं केले भी अच्छे से इसमें ऐड कर दूंगी। और मैं अब इसमें जो मैंने 1 ग्लास मिल्क लिया था वो भी इसमें ऐड कर लूंगी। आप ड्राई फ्रूट्स में और भी अपनी जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे पिस्ता हुआ, काजू हुआ, वो भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें, इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए।
स्मूदी बहुत अच्छे, और देखिए कितनी गड्ढी पिसी हुई है। ये खाने पीने में बहुत टेस्टी और हेल्दी है। अब मैं इसमें इसको एक ग्लास में ट्रांसफर करूंगी। सिया सीड्स मैंने बहुत थोड़ी देर पहले इसको पानी में डाल के इसको भिगो दिया था, जिसकी वजह से अच्छे से ये फूल आया है। सिया सीड्स में बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें, और फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है, रिच होती है मैग्नीशियम, और रिच कैल्शियम होता है इसमें। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। आप चाहे तो इसको चिया सीड्स को अपने सैलेड के साथ भी यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी ऐसा सैलेड हुआ, जूस हुआ यूज करते हो, उसमें थोड़ा सा आप ऊपर से डाल के ऐड कर सकते हैं इसको। इसे टेस्टी लगेगा खाने में, बहुत हेल्दी भी होता है ये। इसको मैं थोड़ा सा इसमें ट्रांसफर करूंगी। देखिए गाइस कितना हेल्दी लग रहा है ये। और आप ऊपर से इसमें अच्छे से सिया सीड्स को और ऐड कर लीजिए। अब मैं इसको इसमें मखाने ऐड करूंगी ऊपर से। गाइस मैं गार्निशिंग के लिए इसमें मखाने ऊपर से ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे जो बादाम कट किए थे वो भी अच्छे से इसमें मैं ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें पिस्ता वगैरह भी अच्छे से ऐड कर सकते हैं। और इन्जॉय करिए अपने अच्छे से इस स्मूदी को, बहुत टेस्टी है लगती है पीने में, और हेल्दी भी बहुत है, और व्रत के लिए तो सबसे अच्छा। आप अगर आप चिया सीड्स नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, और बाकी इसमें और अच्छे से आप अपने इन्ग्रीडियंट जो खाते हो वो मिला लीजिए, काजू बादाम वगैरह। सो गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू गाइज, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग मी।